पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कई धमाके हुए हैं, जिनमें 5 पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई है। सबसे बड़ा धमाका पाकिस्तानी सेना के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। महामारी विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने चीन में 5 से 25 दिसंबर के बीच 10 करोड़ लोगों के कोरोना संक्रमित होने और करीब 10 लाख मौतें होने का अनुमान जाहिर किया है। क्रिसमस के मौके पर यूपी के आगरा में एक मॉल के कर्मचारी को सेंटा क्लॉज की ड्रेस और टोपी न लगाना भारी पड़ गया और मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। मामले में थाना सदर पुलिस ने मॉल मैनेजर सहित 3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज देश में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल होंगे और लगभग 3000 बच्चों द्वारा किए जाने वाले मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। नवंबर में बांग्लादेश छोड़ने के बाद हफ्तों तक समुद्र में फंसे 180 जातीय रोहिंग्या के मारे जाने की आशंका जताई गई है। खबरों के अनुसार समुद्र में न चलने योग्य नाव संभवतः समुद्र में लापता होने के बाद डूब गई है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल लखनऊ के श्री हरभज राम कृपा देवी ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को जाँच के बाद निःशुल्क दवा और चश्मे वितरित किए गए। तो आज हम हैं श्री हरभज राम कृपा देवी धर्मार्थ चिकित्सालय में। यहाँ पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में गरीब लोगों के लिए निःशुल्क चश्मा की व्यवस्था व उनके नेत्र परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे ठाकुर प्रियकांत जू मंदिर मथुरा के संस्थापक प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सऊदी अरब से उनके निजी नंबर पर आई काल में एक व्यक्ति ने उन्हें चौक पर जिंदा जला देने या फिर बम से उड़ा देने की धमकी दी है। लखनऊ के सैरपुर क्षेत्र के नरहरपुर गांव के पास अचानक एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। इस दौरान कार का दरवाजा न खुलने की वजह से कार में सवार 3 दोस्त बाहर नहीं निकल सके और उनकी मौत हो गई। लखनऊ के लोगों के लिए एक और घरेलू उड़ान का नेटवर्क चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जुड़ गया। अकासा एयर ने लखनऊ से बेंगलुरु होकर चेन्नई और लखनऊ से मुंबई होकर चेन्नई के लिए वन स्टॉप सेवा शुरू कर दिया है। तुलसी पूजन दिवस पर कल उन्नाव शहर में गाजे बाजे के साथ रामलीला मैदान से हिंदू जागरण मंच के आह्वान पर निकली विशाल शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आयोजक विमल द्विवेदी द्वारा बीते कई वर्षों से तुलसी पूजन यात्रा निकाली जा रही है, इस वर्ष 51,000 तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। शोभा यात्रा में अजय द्विवेदी, शिवम आजाद, शिव सेवक त्रिपाठी सहित हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। टाटा मोटर्स 2023 ऑटो एक्सपो में अपनी एडवांस तकनीक के साथ फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स की एक रेंज को शोकेस करने वाली है। कंपनी अपने द्विवार्षिक कार्यक्रम के तहत हाइड्रोजन से चलने वाले पैसेंजर व्हीकल्स का भी प्रदर्शन करेगी। हुंडई अब सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी बन गई है। कंपनी अब केवल टोयोटा और फॉक्सवैगन से पीछे है। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता ने 55 साल पहले अपनी स्थापना के बाद पहली बार जनरल मोटर्स और स्टेलेंटिस को मात दी है। ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीत बैंड फैथलेस के प्रमुख गायक गॉड इज ए डी जे, इंसोमनिया जैसे ट्रांस हिट्स में आवाज के रूप में जाने जाने वाले मैक्सी जैज का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मैं अटल हूँ को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसकी घोषणा कल की गई है। यह फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक पर आधारित है, इसीलिए इसका